नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगई। सियासत के संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ बड़ी ही सटीक बैठती हैं। इस डेरी को छोड़कर उस दिल्ली पर जाएंगे, जो रंग लगेगा उसमें रंग जाएंगे, और भाग गई हवा हमको नए शहर की तो ठीक, नहीं तो फिर वापस लौट आएंगे। जैसे कि शायद हरक सिंह रावत को भाजपा की याद दोबारा आ गई है। वही हरक सिंह रावत जिनके तीखे तेवरों के चलते भाजपा ने निष्कासन की शमशीर चलाई थी, वही हरक सिंह रावत जिन्होंने कांग्रेस में आने के लिए आंसुओं की धारा बहाई थी, वही हरक सिंह रावत जो मेहरबानी के ऐसे मोहताज हो चले थे कि हरीश रावत से 100 बार माफी मांगने को तैयार थे। ये वही हरक सिंह रावत है जो कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के खिलाफ लड़ने को भी तैयार थे। कभी राजनीति के शिखर पर लंबे समय तक अपनी जगह को बरकरार रखने वाले हरक अब एक पार्टी में अपना स्थान कायम नहीं रख पा रहे। उनको पहले महत्वाकांक्षा के चलते भाजपा को गुड बाई कहना पड़ा, और अब शायद डर और नाराजगी उन्हें कांग्रेस का भी नहीं रहने देगी। इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनावों से पहले हरक सिंह रावत भाजपा सरकार में मंत्री पद पर थे। उनका विधानसभा चुनाव लड़ना भी तय था, लेकिन हरक सिंह रावत की महत्वाकांक्षा उनकी रणनीति पर भारी पड़ गई। इससे पहले कि वो भाजपा को असहज स्थिति में डालते, भाजपा ने उन्हें पार्टी से रवाना कर दिया, ऊपर से निष्कासन का डंडा भी चला दिया। स्वलग तब तक कांग्रेस ने भी हरक के लिए पार्टी के दरवाजे नहीं खोले थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरक सिंह रावत से नाराज थे, क्योंकि हरीश रावत सरकार में हरक सिंह की बगावत दल के लिए कई चुनौतियां लेकर आई थी। इससे हरक न भाजपा के रहे और न कांग्रेस के हो सके, वो कांग्रेस मेहरबानी पर आ गए। उनके आगे अपने राजनीतिक करियर को बचाने की चुनौती थी, जिसके लिए कांग्रेस में वापसी जरूरी थी। लंबे इंतजार और गलती के इशारे के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधु अनुकृति गुसाई को पार्टी में ले ही लिया, लेकिन लगता है कि दोनों को ही कांग्रेस का साथ अधिक नहीं पाया। तभी तो इनके भाजपा में ज्वाइन होने की उड़ती खबरों ने उत्तराखंड की राजनीति को फिर गर्मा दिया है। कल सियासी फिजाओं में चर्चाएं घुली रही कि हरक सिंह रावत कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दे सकते हैं। इन अटकलों के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, हरक सिंह रावत के पुत्र वधु अनुकृति गुसाई कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी है। दूसरा, हरक सिंह रावत कांग्रेस में खाली बैठने नहीं आए थे। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत लगातार हरिद्वार से लोकसभा सीट से टिकट मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने ये टिकट हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को दे दिया, जिसके बाद हरक सिंह रावत के दर्जनों समर्थकों ने एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। खुद हरक सिंह रावत भी कांग्रेस के किसी उम्मीदवार के प्रचार में नहीं दिखाई दिए। हरक सिंह रावत की कांग्रेस से नाराजगी साफ जाहिर है, इसलिए माना जा रहा था कि हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नाराजगी के चलते फिर भाजपा का रुख कर सकते हैं। इन कयासों की तीसरी वजह रहा ईडी का एक मेल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरक सिंह रावत ने जब से कांग्रेस ज्वाइन की है, बस तभी से उनके ऊपर जांच की तलवार लटक गई है। विजिलेंस, सीबीआई से लेकर ईडी तक उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। कथित वन घोटाले मामले में हरक सिंह रावत ईडी के रडार पर है। कुछ दिन पहले फॉरेस्ट लैंड घोटाले के तहत हरक सिंह के दिल्ली के 2 ठिकानों समेत 17 लोकेशन पर रेड भी की गई थी। इसके अलावा ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधु अनुकृति गुसाई को समन भेजा था। दिलचस्प बात यह है कि कल हरक सिंह रावत पर ईडी अचानक मेहरबान हो गई। दरअसल 2 अप्रैल को ईडी को हरक और उनकी पुत्रवधु से पूछताछ करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईडी के सहायक निदेशक अभय कुमार ने हरक सिंह को मेल भेजकर पूछताछ को मुलतवी करने की बात कही। मेल में कहा गया है कि कुछ अन्य कार्य की अधिकता की वजह से पूछताछ नहीं हो पाएगी। हरक सिंह को मिली इस राहत को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा होने लगी कि हरक सिंह कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हरक सिंह रावत समय देकर अपने दांव खेलते आए हैं। कांग्रेस से भाजपा में जाना, भाजपा से कांग्रेस में आना, हरक सिंह रावत कभी महत्वाकांक्षा तो कभी मजबूरी के चलते पार्टी बदलते रहे हैं। सियासत में कोई बड़ी बात है भी नहीं। आज इस पार्टी में रहकर उस पार्टी पर लांछन लगाए जाते हैं, कल उस पार्टी में जाकर इस पार्टी को बुरा भला कहा जाता है, ये चलता रहता है। इसलिए अगर अब जब जांच की तलवार हरक पर लटक रही है, जब उन्हें कांग्रेस में किसी भी बड़े पद से खाली रहना पड़ रहा है, तो वे भाजपा में शामिल हो भी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे हरक के भाजपा में जाने की खबरों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कुछ और ही बोलते दिखे हैं। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है, ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जानते हैं। उनकी ज्वाइनिंग की भी निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, कहीं न कहीं महेंद्र भट्ट हरक के भाजपा में वापसी को मीडिया की खुद की कहानी बता रहे हैं। वैसे बताते चले कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधु के भी भाजपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस्तीफा देने वाले कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करने की दरख्वास्त भी की है, लेकिन बीजेपी सियासी नफा नुकसान देख रही है, इसलिए उसने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। लेकिन देखना अब यह है कि अगर वाकई हरक कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं, तो भाजपा हरक को लेकर क्या फैसला लेगी। पार्टी ने जिस अनुशासनहीनता की बात कहते हुए हरक को पार्टी से निष्कासित किया था, उस अनुशासनहीनता को भूलकर क्या पार्टी वापस हरक को अपनाएगी, या फिर हरक सिंह रावत फिर से मेहरबानियों के मोहताज हो जाएंगे। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।